सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन में हमने बताया था आपको कि दो पार्ट में डिवाइड करके हमको पढ़ना था। पहले पार्ट में हमको फ्रैक्शन पढ़ना था, दूसरे पार्ट में अलजेब्रा पढ़ना था, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो सिंपल फ्रैक्शन था, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन था, और वितत प्रश्न। वितत तो यानी कि हम बता दें कंटिन्यूड कह सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन था, और इसके बाद हमने शुरुआत की थी सिंपल फ्रैक्शन से, साधारण फ्रैक्शन से शुरुआत की थी, साधारण भिन्न से, और उसी में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। और कहाँ तक पहुँचे थे तो मैं बता दूँ आपको, हम लोग पहुँचे थे भिन्नों की तुलना करना, एक दूसरे से भिन्नों की तुलना करना, यानी कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। मैंने उसका मेथड भी बताया था कि आपको क्या करना है, केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। यहाँ तक आपको मैंने करवाया था, और इसके मैं फिर बता दूँ कि सारे जो क्वेश्चन हैं मैं एक साथ करवाऊँगा, कौन सी भिन्न कौन सी छोटी है, वो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पर टाइप बताए हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर उसके सभी लोग नोट्स बनाते ही चले, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए, छोटे और बड़े को आगे बढ़ाते हुए, आज हम छोटे बड़े से क्वेश्चन और करेंगे। और देखिए अभी हमने यहाँ पर बताया तो भिन्नों को कैसे छोटा और बड़ा हम पता करते हैं वो आप सीख चुके हो। अब पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, पावर वाले क्वेश्चन भी यहीं पर हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे छोटा और बड़ा कि समस्या हमें यहीं से ही क्या हो जाए, यहीं से ख़त्म हो जाए, ठीक है। छोटे बड़े की समस्या यहीं से हमारी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। चलो देखो तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइप आप लगाइए, टाइप से स्टार्ट करिए। तो आज की क्लास का टाइप फर्स्ट क्या, और बहुत ही आराम से हम लोगों को कंप्लीट करना है। देखिए टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन आ जाता है दो की पावर 60, कॉमा 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। अब पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या है, पावर वाली जो भी संख्याएं हैं उसमें अगर हमें बड़ा और छोटा पता करना है तो जो पावर होती है, आप नोट लगा सकते हो जो पावर होती है, जो घात होती हैं उनका HCF ले लेते हैं। क्या लेते हैं, उनका HCF लेते हैं, HCF यानी मासा पता करते हैं। क्या पता करते हैं, मासा, उनका HCF पता करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है सब कुछ, एक एक चीज समझनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में कौन सा बड़ा है, तो हमें देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं सब में पावर लगी हुई हैं, जो घात होती है उनका HCF लेते हैं, यानी कि जो घात हैं 60, 48, 36, 24 का मासा क्या होगा। और मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो संख्याएं जिनका मासा निकालना है, आपको मासा तो पावर का निकालना है, तो मासा वो होती है संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो सब में प्रयोग की गई हो। जैसे हम मासा किसका निकालना है हमें, 60 का, 48 का, 36 का और 24 का, ठीक है। तो 60, 48, 36, 24 का अगर मासा निकालना है तो हम करेंगे, इससे पहले तो मैं 5 ले रहा हूँ, 5 तो कॉमन है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन 4 दिख रहा है, 4 इसमें भी दिख रहा है, 4 इसमें, तो 4 मैंने घसीट लिया, 4 घसीटा तो यहाँ पर आया 15 चक्को 60, बरचौक 48, 4 9 36, 4 6 24, अभी भी 3 दिख रहा है तो 3 और मैंने निकाल लिया, 3 8 15, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। अब तो कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा HCF कितना आ गया, 4 3 12 आ गया, कितना आ गया, 4 3 12 आ गया। आप ऐसे नहीं, आपको इस तरीके से भी दिख रहा होगा कि 60, 48, 36, 24 में मासा क्या है, कौन सी संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी है जो सब में कॉमन है, जो सब में क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। तो हमने देखा 12 कॉमन है, अब 12 से ही हमने HCF कितना निकाला, हमने HCF निकाला 12, कितना निकाला 12। अब 12 से डिवाइड कर देंगे घात को, अब 12 से घात को 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है।
तीन की पावर 48 है, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बरचौक 48 हो जाएगा, 4। 36 है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तेई 36, 4 की पावर 3 आ जाएगा। 24 है, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 12 दुना 24। देखो अब हमारी पावर जो थी वो कम हो गई है, अब इनको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 को हम 81 लिखते हैं, 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27 तरीके 81, 4 की पावर 3 को 4 चौक 16 चौक 64 लिखते हैं, और 5 की पावर 2 को 25 कितना आ जाएगा, 25। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया था, कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी है। अवरोही में लिखिए और आरोही में लिखिए। आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो सबसे छोटी पहले हम पता करते हैं, तो सबसे छोटी दिख रही है यहाँ पर 32, 81, 64, 25 में 25। 25 किससे प्राप्त हुई थी, 5 की पावर 24 से। सबसे छोटी 5 की पावर 24 इज योर आंसर, ठीक है। बड़ी पूछा गया है तो बड़ी देख रहे हैं 25, 64, 81, 32 में बड़ी सबसे 81 दिख रही है। 81 किससे बनी थी, तो 3 की पावर 48 से, तो 3 की पावर 48, ठीक है, कंफर्म। अवरोही निकालना है तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, छोटा है ना तो छोटा मतलब घटते क्रम में, तो छोटे से हमको क्या करना है, छोटा घटते क्रम में यानी सबसे आखिरी वाली छोटी होगी, घटते क्रम में यानी बड़े से छोटा, तो बड़ा कौन सा, 81, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48, ठीक है। फिर 3 की पावर 48 के बाद छोटा कौन सा है, ये है 4 की पावर 36, 64 छोटा है ना, 4 की पावर 36। फिर कौन सा छोटा है, तो 32, 2 की पावर 60। फिर कौन सा छोटा है, 25, ये क्या है, 5 की पावर 24। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, आरोही होता है, तो 5 की पावर 24 से अब हम बढ़ते हुए चलेंगे, 2 की पावर 60, 4 की पावर 36 और 3 की पावर 48। तो ये हमको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसी तरीके का फिर से एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। हम जान गए पावर वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें बड़ी और छोटी पता करना है, बड़ी और छोटी पता करना है। तो सबसे पहले जो पावर्स होती हैं उनका हम HCF लेते हैं, मासा निकालते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर आपको फिर से करवाने की कोशिश करूंगा, 5 की पावर 150, 3 की पावर 48, 5 की पावर 50, 2 की पावर 250, 3 की पावर 200 और 7 की पावर 100। फिर से वही पता करना है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ठीक है, आरोही, अवरोही। ठीक है, फिर से मैं बता दूं क्या करना है, जो भी आपकी पावर्स हैं उनका HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, 150, 250, 200 और 100। हम देख रहे हैं सब में कॉमन क्या है, तो सब में 50 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF क्या आ गया, HCF आ गया 50। कितना आ गया, मासा कितना निकाल लिया हमने, 50 निकाल लिया। अब मासा अगर 50 है तो हम 50 से 150 को भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 5 की पावर 3, ठीक है। अब 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 25, यानी 2 की पावर 5, ठीक है। यहीं पर अगर 3 की पावर 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 5 को 20, फिर 100 को 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर पावर्स हमारी छोटी हो गई। अब 5 की पावर 3 को हम 125 लिखते हैं, 2 की पावर 5 को हम 32 लिखते हैं, 3 की पावर 4 को हम 81 लिखते हैं, और 7 स्क्वायर सबको पता है 49 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको सब पता चल गई, सबसे बड़ी कौन सी, 125 दिख रही, जो बनी किससे थी, 5 की पावर 150 से। तो सबसे बड़ी हमको पता चल गई, 5 की पावर कौन सी है, 150 है, कन्फर्म। आगे 2 की पावर 250,
32 सबसे छोटी है, देख रहे हैं ना, 125, 32, 81, 49 में सबसे छोटी क्या है, 32 है। 32 किससे बनी थी, 2 की पावर 250 से, तो 2 की पावर 250 सबसे छोटी हो गई। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद 3 की पावर देख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, आरोही में लिखो, यानी बढ़ते क्रम में लिखो, पहले छोटी पता होनी चाहिए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, फिर इसके बाद कौन सी बड़ी है, 49, यानी कि 7 की पावर 100, 7 की पावर 100, फिर कौन सी बड़ी है, 49 के बाद 81 बड़ी, यानी 3 की पावर 200, 3 की पावर 200, फिर इसके बाद बची कौन सी है, 125, ये किससे बनी, 5 की पावर 150 से, 5 की पावर 150, जस्ट उल्टा इसका आरोही बनेगा, आप लिख सकते हो 5 की पावर 150, 3 की पावर 200, 7 की पावर 100, और सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर, 2 की पावर कितनी थी, 250। ये आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का छोटी बड़ी में पूछा जाता है, वो भी आप देखें। जो सेकंड टाइप आपको क्वेश्चन बनेगा, टाइप सेकंड में क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको दे देंगे 4 की पावर, 4 और 5 दे दिया, 5 को 4 की पावर बना दिया, और ये जो आधार है इसको 5 की पावर बना दिया, पूछेंगे कौन सी बड़ी है। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या ले ली हमने, 5 ले ली और 6 ले ली, 6 को 5 की पावर बना दिया और 5 को 6 की पावर बना दिया, पूछेंगे इनमें से कौन सी बड़ी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी तरीके से 1000, और हाँ डिफरेंस एक का ही है, डिफरेंस 1000 है, और 1000 क्या है, एक है, तो 1000 एक को इसकी पावर बना दिया और 1000 इसकी पावर बना दिया, पूछेंगे कौन सी बड़ी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बस एक चीज समझ लो, केवल 2 और 3 और 1 और 2, ये संख्याओं को छोड़कर जो हम नियम बताएंगे वो सब में फॉलो करेगा। नियम क्या है, ये 5 है पावर, ये पावर इधर आ जाएगी। ठीक है, तो पता करेंगे जिसमें ज़्यादा पावर जिसकी होगी, हमें बेस देखने ही नहीं है, पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो संख्या हमेशा बड़ी होगी, केवल किन को छोड़कर, 1 और 2 और 2 और 3 को छोड़कर। अभी मैं बताऊँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखो 5 की पावर 6, 6 की पावर 5 में बड़ी कौन सी, तो पावर किसकी बड़ी, इसकी बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है। ठीक है, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4 में बड़ी कौन सी है, हमने देखा पावर कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है। ठीक, 1001 और 1001 की पावर 1000, तो बड़ी कौन सी है, तो पावर जिसकी बड़ी, तो पावर तो यही बड़ी है ना, तो ये बड़ी होगी संख्या। ठीक है, ये क्यों गलत हो रही है, तो आप देख सकते हो 2 और 3, 2 की पावर ये 3 हो जाएगी और 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2। जैसे 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए पावर इसमें बड़ी है लेकिन ये संख्या छोटी निकल रही है, तो 2 और 3 के नियम में नहीं फॉलो होगा। और 1 और 2 का भी चेक कर लेते हैं, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो 1 एकन्नम 1 और 2 एकन्नम 2, इसमें भी क्या है, 1 छोटी आ रही है पावर लेकिन क्या है, बड़ी है। तो 2 को छोड़कर हर संख्या में फॉलो होगी, हर संख्या में फॉलो होगी। जैसे 2 और 3 है, 3 और 4 ले लेते, 3 और 4, तो 3 की पावर 4 हो जाती, 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और 4 चौक 16 चौको 64, बड़ी कौन सी है, 81 बड़ी है, क्योंकि पावर किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिफरेंस अगर क्या हो, 1 का हो, ठीक है, और क्या हो, यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो या ना हो, कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे यहीं पर लिख लेते हैं 3 और 5, और ये 3 की पावर ये 5 हो गई, और 5 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, तो यही संख्या हमेशा बड़ी है। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 एकम 3, 3 8 24, 243, 5 25, 5 125। ठीक है, कौन सी बड़ी है, पावर जिसकी बड़ी है। ठीक है, पावर जिसकी बड़ी है, मैंने बताया 2 और 3 को और 1 और 2 को छोड़ देना बस। ठीक है, चलिए आगे, जिसकी पावर बड़ी वो वाली संख्या बड़ी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा यहाँ पर, 100 102, तो 100 की पावर 102 और 102 की पावर 100,
पूछेंगे इनमें इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो तुरंत आप बता दोगे इसकी पावर बड़ी है तो ये वाली संख्या बड़ी है। कौन सी बड़ी है? बड़ी। ऑप्शन दे सकते हैं कि 100 की पावर 102 बड़ी है, 102 की पावर 100, दोनों इक्वल है, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है, ठीक है। चलिए आगे आगे किस टाइप का क्वेश्चन बनना है, तो सेकेंड के बाद आप थर्ड टाइप छोटा बड़ा में देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको सॉल्व करना है आपको। अब जो रूट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बड़ा व छोटा पता करना है, जैसे क्यूबिक रूट 4 पूछा जाएगा, इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता दूं, कुछ चीज़ें बता दूं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर अगर यहाँ पर 2 लिखा है और ये 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 की पावर जो यहाँ पर रूट की पावर होती है, रूट की पावर 2 है ना, तो ये अगर सीधा पावर बनाना है रूट हटा के, तो ये 1/1/2 हो जाती है। तो 4 की पावर हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है। 4 की पावर हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, हमेशा याद रखिए। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्यूबिक रूट 4, यहाँ पर 3 है और ये 4 है, तो 4 की पावर 1/3 कह रहे हैं। 4 की पावर क्या बोल रहे हैं? 1/3 बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने रूट हटाया तो ये जो पावर है, रूट की पावर है, वो अपॉन में चली जाती है, ठीक है, 1/3 हो जाएगी। जैसे 6 और ये 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, या तो इसका बहुत सरल तरीका है, ठीक है, आप इस ये कर भी सकते हो, ये नहीं भी कर सकते हो। जैसे हमने इसको 4 की पावर 1/3 लिख लिया, 6 की पावर 1/4 लिख लिया, 15 की पावर 1/6 लिख लिया, और 245 की पावर 1/12 लिख लिया। तो जब भी 1/2, 1/4, 1/6, 1/12 आता है, तो सबसे पहले याद आता है कि यहाँ पर जो हर है इनको सेम करना है, और हर को सेम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एलसीएम निकालना, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालते हैं किन का? 3, 4, 6, 12। 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहोगे एलसीएम तो 12 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया, अब 3 से 12 को डिवाइड करो तो 4 आएगा, यानी 4 की पावर आपको क्या लिख देनी है? 4, ठीक है। अब 1/4 है ना, तो 4 को 12 से डिवाइड करो तो 4 3 12, 6 की पावर कितना आ जाएगा? 3। 15 की पावर 6 को 12 से डिवाइड करो तो 6 2 12। 245 में 1/12 है, 12 को 12 से डिवाइड करो तो 245 की पावर 1, ठीक है। 4 की पावर 4, 4 4 16 64, 256 होता है, कितना होता है? 256। 6 6 36 6 216, 15 15 225, 245 की पावर 1, यानी 245, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी 256 सबसे बड़ी है, यानी अगर यहीं पर पूछते सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी एक स्टेप ये वाली लाइन हमें लिखनी नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ फिर से इसको, सबसे बड़ी बिल्कुल घबराइएगा नहीं। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई संख्या, ठीक है। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी हो गई? देख रहे हैं सबसे छोटी 216, सबसे छोटी कौन सी है? 216, यानी रूट की पावर 4, ठीक है, 6 रूट की पावर 4, ठीक है, सबसे छोटी हो गई। अगर अवरोही और आरोही में लिखना है तब भी आप लिख सकते हो, केवल अवरोही में लिखते हैं, आरोही इसका उल्टा हो जाएगा। अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा पता होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 256, यानी हमें क्या पता है? 4, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद छोटी कौन सी हो जाएगी? तो छोटी इसके बाद ये आ जाएगी 245, फिर 225, फिर 216। 245 कैसे बन रही है? 245 रूट की पावर 12, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी ये बन रही है, इधर लिख लेते हैं 15। फिर लास्ट बची, सबसे छोटी थी ये थी, ठीक है। तो हमने इसको अवरोही में भी लिख लिया,
अवरोही इसका जस्ट आरोही हो जाएगा, आरोही में भी आपको आ जाएगा। आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, घटते क्रम में, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं बता दूं, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ये वाला स्टेप ना कर हमको केवल क्या करना है, देखो केवल करना है, जब भी इस तरीके का आ जाए तो वन बाई कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है बस उतना समझो, ठीक है। देख रहे हैं जो रूट की पावर्स लिखी हैं, यहाँ पर रूट की पावर्स लिखी हैं, उनका सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे। पहले जो पावर वाले क्वेश्चन थे उसमें बताया था मैंने एचसीएफ लेना है, लेकिन इनमें जो रूट की पावर्स लिखी हैं, रूट की पावर्स जो होंगी उनका हमेशा हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को 12 से क्या करेंगे, काटेंगे, तो 3 को 12 से डिवाइड करने के लिए कितने बार पहाड़ा जाएगा, तो 4 बार, 3 चौक 12 होता है ना, तो आपको 4 की पावर क्या लिख देना है, 4, ठीक है। 4 यहाँ पर एक रूट की पावर 4 है, तो 4 को डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब 12 को डिवाइड करो 4 से, तो कितने बार पहाड़ा जा रहा है, तो 3 बार, तो 6 की पावर 3, 4, 3, 12। अब 12 को डिवाइड करो 6 से, तो 6 दूना 12 यानी 15 की पावर 2, 245 है, और यहाँ पर रूट की पावर कितनी, 12, 12 को 12 से डिवाइड करो तो 1 ही बार जाएगा, 245 पावर 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पता चल जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 4 256, 6 की पावर 3 216, 15 की पावर 2 225, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको पता चल गई, ऐसे ये क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कोशिश करिए लगाने की। हर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पता करना है इसमें। तो हम मैंने बताया है कि जो रूट की पावर्स होती हैं उनका एलसीएम लेना है, तो 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा, 12। अब 12 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार पढ़ा जाएगा, तो 2 की पावर 6। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, पावर 3 है, तो 3, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 तई 12, तो 4 की पावर 3। 2 की पावर 6 को हम 64 बोलते हैं, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, 3 त्रिकोण 27, 3 81, 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 64। हमको पता चल गया कौन सी बड़ी है, तो ठीक है। तो ये लिखा है आपका 2 की पावर 6, और ये तो बराबर ही हो गई, सबसे बड़ी कौन सी आ रही, 81, यानी ये सबसे क्या है, बड़ी है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यूबिक रूट 3, कंफर्म। चलिए आगे इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ ऐसे ही। ये दिख रहा है आपको, सबसे पहले पावर्स का एलसीएम लेना है, तो 3, 2, 4, 6 का एलसीएम लिया, तो फिर से एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। फिर वही काम करना है, 3 से 12 को डिवाइड करना है, 4 बार जाएगा, तो 9 की पावर 4, 2 से 2 छंग 12, 3 की पावर 6, 4 तेई 12, 16 की पावर 3, 80 है ना, 80, तो 6 दो 12, 80 की पावर 2। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, इनमें और इनमें। चलो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम ये भी तो कह सकते हैं, 9 स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, तो 9, 9, 81 हो गया, तो 81 की पावर 2 है। 9 की पावर 4 को हम 81 की पावर 2 लिख सकते हैं, 81 × 81 है ना, × ये 3 की पावर 6। हमें इसमें सबसे बड़ी पता करना है, बड़ी बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या,
ठीक है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 तो हमें पता है ना, 3 * 9 = 27 * 81, 81 * 2 = 43, और 243 को सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको पावर 2 बनाना है, इसको पावर क्या करना है, 2 बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 * 3 और फिर टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो 3 * 9 = 2, ये 81 * 2, और ये है आपकी 16 * 3, इसको ऐसे ही लिख लो, और 80 * 2, 80 * 2 को हम क्या लिखेंगे, 80 * 2 ही लिख दो। अच्छा, 80 * 2 को हम थोड़ा सा सॉल्व करके बता सकते हैं कि 80 * 2 क्या होता है, 68 = 6400 होता है, ठीक है, कितना होता है, 68 = 6400 होता है, ठीक है। अब 16 * 3, 16 * 16 * 16, तो 16 * 16 हम तो हमें पता है कितना होता है, 256 * 16, तो 16 * 96 = 6 = 9 = 80 = 9 = 89 = 9 हासिल लगे 8 * 16 = 32 = 40 = 40 = 96। अब इनमें अगर कंपेरिजन करने को दिया जाएगा तो आप कहोगे तो छोटी है ये वाली 6400 बड़ी है, तो यहाँ पे ये तो बड़ी हो गई हमारी, ठीक है, ये क्या है, छोटी है तो छोटी छोड़ दिया, ये बड़ी, अब देखो ये तो पहले ही छोटी हो गई, अगर पावर देखो ये आधार तुम्हारे अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो आधार में जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी होगी, तो ये छोटी है तो ये छोटी होगी क्योंकि हमने पावर मैच कर लिया, तो यहाँ पे भी पावर क्या है, 2 इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर, आधार में बड़ी कौन सी है, तो 80 बड़ी है कि 81 बड़ी है, तो 81 बड़ी है, यानी आपकी कौन सी संख्या बड़ी हो गई, क्यूबिक रूट 9, ये आपकी बड़ी हो गई, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ा क्या, यहाँ पे जैसे 80 स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे 9 की पावर 4 आ गया था, 9 की पावर 4 अगर आप सॉल्व करते तब भी ठीक है, 9 की पावर 4 निकाल लेते तब भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें हमने सोच ली, 9 की पावर 4 को 9 की पावर 2 कर सकते थे, तो 9 की पावर 2 81 होते, 81 की पावर 2, अब इनमें हमें पता चल गया 80 की पावर 2 और 81 की पावर 2 में कौन सी बड़ी है, पावर सेम है, आधार में जो संख्या बड़ी होगी, जैसे फिर से समझो 80 की पावर 2 और 81 की पावर 2, पावर हमारी दोनों में क्या है, सेम है, तो आधार में जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो गई थी, तो इनमें तो ये बड़ी हो गई थी, और इनमें तो इसमें भी तो पावर तुमने कहा, इसमें भी तो पावर सेम है, सॉरी यहाँ 27 आ जाएगा, 3 * 3 * 27, तब भी 81 और 27 में छोटी कौन सी है, आधार, ये वाला छोटा है तो ये भी छोटी हो जाएगी, यही अभी भी बड़ी है ये, और इसमें आपने निकाल लिया, इससे कंपेरिजन किया था तो इसको 40 96 आ रहा था, ये 6400 आ रहा था, मतलब ये तब भी छोटी थी, ठीक है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 81 की पावर 2, ये बड़ी हो गई, ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन यहीं पर, टाइप अगला कर लीजिए, टाइप 4। हाँ, टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए, 3 √2, अब ये 3 आगे लिखा हुआ है N2 में, ठीक है, 3 √7, 6 √5, 2 √20, पूछा है सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, तो कुछ नहीं, जो ये बाहर वैल्यू लिखी हुई है इसको अंदर ले जाते हैं, तो अंदर ले जाएंगे तो 2 बार हो जाएगी, बस एक बहुत आसान है, अंदर बाहर, क्योंकि जब अंदर से वैल्यू बाहर आती है तो अंदर जब 2 बार वैल्यू होती है, 2 पेयर बनते हैं तब 1 पेयर बाहर निकलता है रूट से, तो हम ये बाहर वाली जो वैल्यू है अंदर ले जाएंगे तो 2 पेयर में आ जाएगी ही, तो 3 * 3 * 2, इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो 2 तो ऐसे ही लिखा, लेकिन 3 2 बार हो जाएगा, 3 * 9 = 18, यहाँ तो 18 बनेगा, ठीक है, 18 यहाँ पे 3 * 9 अंदर जाएगा तो 3 * 3 * 3 * 9 = 9 = 63, यहाँ 63 बनेगा, ये 6 अंदर जाएगा, 6 * 36, और 36 * 5 कितना होता है, तो 5 * 36 = 30, 6 * 36 = 5 = 30, 5 * 3 = 15, 15 * 3 = 18, 180 हो जाएगा, ठीक है, 2 * 2 = 4 = 20 = 84, तो भाई सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको दिख रही है रूट 180 तो सबसे बड़ी है, तो यानी ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी है, ये है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमने पता कर लिया कि सबसे बड़ी ये है, ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है, हम देख रहे हैं रूट 18 सबसे छोटी है,
रूट 18, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी हमने यहाँ पे पता कर लिया, ठीक है। तो हमेशा ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और इसी तरीके का करते हैं और पूरा कंफर्म हो जाएगा उसमें। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 पचास 80 आ गई। 5 अंदर जाएगा 55, 25, 25 छक्का कितना होता है 150। 3 3×9=36, 55 2×50। सबसे बड़ी कौन सी है, तो 150 लिख रही, ये हो गई सबसे बड़ी। अब इसमें गलती नहीं करना है किसी को, सबसे छोटी पूछेगा तो 80, 150, 36, 50 में छोटी कौन सी, ये यानी ये सबसे क्या हो जाएगी, छोटी, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप कि यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे टाइप 5 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 5 में क्वेश्चन आपको जो बनेगा वो बन जाएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसी से समझिएगा, 19 - √17, √13 - √11, √17 - √15 और √5 - √3। ये क्वेश्चन आपका बन गया है। पूछा है इसमें कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन रूट के अंदर आ जाए और माइनस का निशान दिया हो, ठीक है, माइनस का निशान दिया हो, बहुत ध्यान से देखना, माइनस का निशान दिया हो तो हम ये देख रहे हैं कि जब माइनस का निशान दिया होगा तो और अंतर कितने होगा, अंतर अगर इक्वल है, देखो 1917 में अंतर कितने का है, 2 का है, 13 और 11 में अंतर कितने का है, 2 का है, 17 और 15 में 2 का है, 5 और 3 में कितने का है, 2 का है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, जो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है वो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसी का अगर जस्ट यहाँ पर प्लस लगा देते, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर से, अभी सब चीज़ें क्लियर होगी। 19 + √17, 13 + √11, √17 + √15, √5 + √3। अगर इसमें पूछ लेते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता हमारा कि सबसे बड़ी तो √19 + √17 है, ठीक है, क्योंकि प्लस लगा है तो जो बड़ी है वो बड़ी ही हो जाएगी, और जो छोटी है, छोटी कौन सी हो जाती है, √5 + √3, ये सबसे छोटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, डिफरेंस सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्लस लगने पर तो हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा ये वाली बड़ी है, ठीक है, क्योंकि √19 √13 से बड़ी होगी, √17 √11 से बड़ी होगी, दोनों बड़ी हैं तो बिल्कुल बनी सी बात है ये बड़ी होगी सबसे, ठीक। लेकिन माइनस वाले केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर केवल इसको ही हम सॉल्व करें तो अगर √19 - √17 है, अगर ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करें, संयुग्मी क्या होता है, इसका संयुग्मी यानी अपोजिट, तो प्लस आ जाएगा √19 + √17 / √19 + √17। ये a² - b² का फार्मूला लिखा है, a - b a + b, तो यहाँ से आपका ये निकल आएगा 19 - 17 / 19 और 17, यही आ जाएगा 19 + √17। तो यहाँ पर देखो 2 आ गया, 2 / √19 + √17। अब 2 तो सब में आएगा ऊपर, 2 तो सब में आएगा क्योंकि सबका अंतर कितना है, 2 है, 2 तो ऊपर सब में आएगा, लेकिन नीचे आधार क्या होगा, आधार अलग अलग हैं, यानी आधार मतलब हर क्या है, सब में अलग अलग होगा, लेकिन अंश सबका सेम है, तो अंश सबका सेम हो, मैंने बताया था, याद होगा आपको, अगर अंश सेम है तो आधार में सबसे बड़ी, जिसमें आधार कह रहा हूँ मैं, हर में जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो 19 + √17 तो सबसे बड़ी है, मैंने अभी बताया, अगर प्लस में होते तो सबसे बड़ी कौन सी होती, ये होती सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी हर में कौन सी दिख रही है, 19 + √17, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि अंश सबके सेम है। इसको भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 2 / √13 + √11, इसको सॉल्व करोगे तो 2 /
रूट 17 प्लस रूट 15 इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 ये सब आएगा। तो हम देख रहे हैं अंश, तो सबके सेम है, जिसमें सबसे बड़ी नीचे संख्या होगी, हर में सबसे बड़ी संख्या होगी, वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसमें उल्टा होता है, क्या होता है जब माइनस का निशान हो, बस ऐसी आप याद रखो कि जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी की बात करें तो जो सबसे छोटी दिख रही हो वो सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कन्फर्म, इतनी चीज़ें कल क्लियर हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिए आप, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए सिंप्लीफिकेशन में ऐसी बेतुकी सवाल आते हैं, तो इन पे अगर एक बार हमारी नज़र चली जाएगी, एक बार हम इन सब क्वेश्चन को देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब यहीं पर पॉइंट वाले क्वेश्चन, पॉइंट और बार वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं ऐसे ही पर लिख रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट थ्री बार। सबसे पहले अगर इनमें छोटा और बड़ा पता करना है तो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो इसको पता करने के लिए जिस संख्या के दशमलव के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो रिपीट होते हैं दशमलव के बाद, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, जैसे पॉइंट थ्री है तो पॉइंट थ्री को अगर थोड़ा सा खोलेंगे तो पॉइंट थ्री 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है। यहीं पर पॉइंट थ्री एट दोनों के ऊपर बार लगा होता तो ये कैसे ओपन होता, तो पॉइंट थ्री एट थ्री एट थ्री एट थ्री एट ओपन होता, पॉइंट थ्री एट थ्री एट थ्री एट, क्योंकि 38 के ऊपर बार था, ये भी अनंत तक जाता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो हमको तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, पॉइंट थ्री तो अगर ओपन करना है तो पॉइंट थ्री क्या गया, तो जीरो 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 चलना चला जाता है। तो ये बड़ी हो गई कि ये बड़ी हो गई, आप कहोगे ये बड़ी होगी, मतलब जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नग लगा हो उनसे, समझ में आया। चलो देखो, जैसे कह दे कि पॉइंट फोर और पॉइंट फोर बार कौन सी बड़ी है, तो आप कहोगे ये वाली बड़ी है, ठीक। पॉइंट सिक्स सेवन बार कौन सी बड़ी है, आप कहोगे ये वाली बड़ी है, क्योंकि पॉइंट सिक्स सेवन के आगे जीरो और पॉइंट सिक्स सेवन ही रहेगा और ये तो पॉइंट सिक्स सेवन हो रहा है ना, तो ये वाली क्या है, बड़ी है। यानी एक चीज़ हम जान गए कि बार वाली संख्या साधारण दशमलव वाली संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ ये भी कन्फर्म हो गई, तो अब क्वेश्चन कैसे देखो, पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो जीरो थ्री और पॉइंट थ्री बार पूछेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। तो हम ये तो देख रहे हैं ये छोटी है, सबसे छोटी तो ये दिख गई पॉइंट जीरो जीरो थ्री पॉइंट जीरो जीरो थ्री। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अंश सबके सेम कर लो, अंश क्या कर लो, सबके सेम कर लो। तो अंश तो हम सबके सेम कर सकते हैं, कैसे देखो, इसको 3/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो आ जाते हैं, तो नीचे कितना आ गया 10। मैं बता रहा हूँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो, 3/10 ये कितना आ जाएगा, 3। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आ जाएंगे, 100। इधर भी ऊपर 3 है तो कितने शून्य आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3 शून्य आ जाएंगे। पॉइंट थ्री बार है तो 3/9 लिखते हैं, जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगे होते हैं उतने 9 नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर 3 था, 3/ कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब आप बताओ, आधा जो अंश है सबका, अंश सेम कर लिया हमने, अंश सबका सेम है, तो आधार में जब अंश सेम होता है तो आधार में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाती है, छोटी भिन्न हो जाती, तो ये भिन्न क्या है, सबसे छोटी हो गई, छोटी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमको दिख रही 3/9, सबसे बड़ी भिन्न। और ये भी अगर ये नहीं लगाना है तो ये क्यों स्टेप लगाओगे, आपको ऐसे ही पता चल रहा है, ये पॉइंट थ्री है, ये पॉइंट जीरो थ्री है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि पॉइंट थ्री बड़ा है कि पॉइंट जीरो थ्री बड़ा है, ये 30 इसको बोलेंगे और ये 3 है, ये 30 है तो ये 3 है, ठीक है। अगर ये पॉइंट जीरो जीरो थ्री तो सबसे छोटा हो गया, इनमें तो पता चल रहा है ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है, फिर इनमें अभी हमने बता दिया कि अगर इनमें और इनमें चेक किया जाए तो बार वैली वैल्यू बड़ी होती है, तो इनसे तो ये बड़ा था और इनसे कौन सी बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, ठीक है।
तो थोड़ा सा अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, 0.3 बार, ये वाली संख्या क्या है सबसे बड़ी है। एक क्वेश्चन मैं और ऐसे ही लिख रहा हूँ तो बताना भी। फाइव पॉइंट जीरो फाइव, 5.5 बार, 5.05 बार और 5.05 बार, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है? देखो इसके पांच के ऊपर बार लगा, थोड़ा सा थोड़ा क्या कर लेते हैं, ये तो यही लिखा रहेगा, इस पे तो बार ही नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 5.555 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। 5.0555 इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, 5.05 05 05, ये भी अनंत तक जाएगा। अब भाई सबको नज़र आ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। हम देख रहे हैं ये 5.05 5.05 आगे 00 चलता है, तो 5.050 आगे है, तो ये इनसे इनसे ये बड़ी है। सब में हम कंपेयर कर सकते हैं, हमको साफ साफ दिख रही है सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी तो ये है, 5.555 चल रहा है, और किसी में और तो 5.0 ही आ गया, इसमें भी 5.0 ही आ गया, इसमें 5.0 आ गया, इसमें 5.5 आ गया, यानी सबसे बड़ी क्या है, यही बड़ी है। तो सबसे बड़ी इसमें दिख गई, सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है। अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो देखो 0.555 0.505 0.5 के आगे 0, तो ये वाली अगर इनमें इनमें कंपेरिजन किया जाए तो ये वाली छोटी है, ठीक है। ये 0.5 के आगे सब शून्य हो गए, ये 0.5 के आगे फिर 0.505 अभी चल रहे हैं, तो कौन सी सबसे छोटी है, ये वाली छोटी है, और इनमें इनमें और इनमें अगर कंपेरिजन करते तो ये वाली छोटी होती, ठीक है। इनमें इनमें कंपेरिजन करते तो ये वाली छोटी होती, और इनमें कंपेरिजन किया तो ये वाली छोटी है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए। हाँ, अब टाइप फोर सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं। टाइप ये होगा, टाइप सिक्स होगा शायद, टाइप सिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, छोटे बड़े वाले क्वेश्चन सारे हमने कर लिए हैं, अब टाइप सिक्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1+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 
आप जोड़ सकते हो, बिल्कुल सही जोड़ सकते हो, एक 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 एक, लेकिन हमको पता होना चाहिए संख्या कि अगर इनको जोड़ेंगे तो स्पीड में क्या आएगा। तो जितनी संख्याएं लास्ट में है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर एक एक बार है, यहाँ पर एक दो बार, यहाँ पर एक तीन बार, यहाँ पर एक चार बार, मतलब सीरियल से बढ़ रहा है, क्रम से बढ़ रहा है, ठीक है, क्रम से बढ़ रहा है। और कितने पाँच, कितने एक आ गए, तो पाँच बार एक आ गए, तो हम इसका योग तुरंत लिख देंगे एक से पाँच तक गिनती, एक दो तीन चार पाँच, यही इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। यहीं पर अगर दो प्लस दो दो प्लस दो दो, दूसरा क्वेश्चन है ये, यहाँ समझ रहे हैं। अब जैसे हमें इससे जोड़ना है, यहाँ पर एक दो, फिर दो दो, फिर तीन दो, फिर चार दो, फिर पाँच दो, फिर छः दो आ गए, तब हम क्या करेंगे, तब देखो भाई करना वही है, आपको दो कॉमन ले लेना है, और जहाँ दो कॉमन ले लेंगे तो भाई वही तो बचेगा, वन प्लस वन वन, दो कॉमन ले लोगे भाई इससे तो 11 बचेगा, इससे दो कॉमन लोगे तो 111 बचेगा। तो देखो फिर वैसा ही हमें प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन जैसा हमने पहले बताया था, ये मिल गया। तो अब देख रहे हैं एक से चालू है, छः अंक तक पहुंचा है, एक एक एक, तो छः तक ही लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर ये दो कॉमन था इसका हम कर देंगे गुणा आसानी से, 2 6 12 के 2 हाथ से लगे, 2 5 10 11 के 1 हाथ से लगे, 2 6 8 1 9, 2 3 6, 2 2 9 4, 2 1 9 2। तो अगर हम इसको जोड़ते, अगर हम इसको जोड़ते तो आंसर हमारा कितना आता, ये आ जाता, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया। यहीं पर और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ये की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 5 5 5, देखा ये 5 कितने हैं, 5 बार है।
तो हम पांच कॉमन ले लेंगे तो हम जानते हैं पांच से गुणा करना पड़ेगा और कितने अंक बढ़ रहे, कितने अंक, एक एक अंक बढ़ता हुआ कितने अंक बार चला गया, तो पांच अंकों तक चला गया, ठीक है, पांच डिजिट बन रहे हैं या फाइव डिजिट, तो हमें पांच तक ही पहुंचना है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो अब पाँच से गुणा कर दो, पचम पच्चीस के पाँच ऐसे लगे दो, पाँच को बीस, बीस दो बाईस के दो, हंस पाँच पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, पाँच दो दस एक ग्यारह, पाँच एक नौ पाँच एक छः, ये आ गया आंसर आपका 61725, ठीक है। अब इसी में दूसरा टाइप जो बनता है, इसी में जो दूसरा टाइप बनता है, अभी ये याद रखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ सिविल टाइप सेवन पे कैसा क्वेश्चन बनता है, वो पॉइंट के बाद कब पड़ता है, तो पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन वन प्लस पॉइंट वन 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 प्लस पॉइंट वन 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 वन, ये बन जाएगा। तब कैसे करेंगे, तब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ पर कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, एक एक हो रहे हैं पॉइंट के बाद, एक बढ़ा पॉइंट के बाद, फिर एक की संख्या दो हो गई, पॉइंट के बाद एक की संख्या तीन हो गई, जब इसको जोड़ते हैं तो पॉइंट लगा दो, ठीक है, तो चार है ना, तो चार से पॉइंट फोर तीन दो एक घटते हुए क्रम में चले जाएंगे, ठीक है, फोर थ्री टू वन, ये हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप हमेशा। यहीं पर अगर ये कर देते पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव फाइव प्लस पॉइंट फाइव 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 प्लस तीन के बाद चार, तो वही प्रक्रिया करते हैं, पाँच को कॉमन ले लेते हैं, पॉइंट वन बचता, पॉइंट वन वन, पॉइंट वन 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 ऐसे बच जाता है ना, और इसको हम जानते हैं पॉइंट, अगर पाँच हमने कॉमन ले लिया तो इसके बाद जो हमको योग आता है, यहाँ पर डिजिट कितने हो गए, पाँच डिजिट हो गए, तो हम पॉइंट लगाएंगे और पाँच से एक तक चले जाएंगे, पाँच चार तीन दो एक, और पाँच से गुणा कर देंगे तो पाँच का नम पाँच, पाँच दो नौ दस, पाँच तीन पंद्रह, एक सौ लगे छः, लगे पाँच को बीस, एक इक्कीस के एक, हासिल लगे दो, पचम पच्चीस, पच्चीस दो सत्ताईस, 2.7, ये आंसर आ जाएगा 2.71605, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ये वाले तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब इसी में जो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं वो भी समझते हैं, दोनों टाइप से करेंगे, जो इसके पहले छठवां टाइप बताया था, आप बस नोट करते चलिए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वन प्लस एक से एक बटे दो प्लस ग्यारह से एक बटे दो प्लस यहाँ पर एक से एक बटे दो प्लस ग्यारह से एक बटे दो प्लस एक सौ ग्यारह से एक बटे दो प्लस ये से एक बटे दो प्लस ये क्वेश्चन दे दिया गया। आपसे पूछेंगे इसका योग क्या होगा, प्लस का निशान है, इसका आंसर क्या होगा, तब आप क्या करोगे, इसको हम किस कैसे लिखते हैं, वन प्लस वन बाई टू लिखते हैं, है ना, इसको हम ग्यारह प्लस वन बाई टू लिखते हैं, इसको हम एक सौ ग्यारह प्लस एक बटे दो लिखते हैं, इसको एक हज़ार एक सौ ग्यारह, यहाँ पर प्लस लग जाता है, मैं कहने का मतलब यहाँ पर बीच में क्या लग जाता है, जो सही बटे में वैल्यू लिखी होती है उसमें बीच में प्लस लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वन बाई टू 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 वन बाई टू, ये अलग प्लस में लिखे हुए हैं, तो हर इनका सेम है, तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, यानी ये आ गया छः बटे दो प्लस, अब तो वही दिख रहा है, वन फिर वन वन फिर वन 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 फिर वन वन वन, चार बार वन हो गया, फिर पाँच बार वन हो गया, फिर छः बार वन हो गया, तो छः बार वन हो गया ना, तो हम क्या कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में प्लस छः बटे दो, दो को हमने इसको काटा तीन, तो छः तीन कितना आ गया, नौ, फाइव फोर थ्री टू वन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना बड़ा हुआ कि लिखा हुआ क्वेश्चन था, आपने तुरंत इस तरीके से कर लिया क्योंकि आपको इसका तरीका पता था, ठीक है। आगे इसी से क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं, बढ़ा के क्या करना, इसी में समझ लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो हम देखें कि 5 की पावर 5 से 1/3, 55 से 1/3, तो इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझना तो 5 + 5 से 1/3 को 5 + 1/3 लिख सकते, 55 + 1/3, 555 + 1/3, ठीक है। तो 1/3, 1/3, 1/3 अलग लिख लेंगे ऐसे। तो इसको हम देखो क्या लिख सकते, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ये हमने अलग वैल्यू लिख ली जो आगे वाली लिखी थी, आगे वाली अलग जोड़ने की कोशिश की, प्लस इसके बाद ये 1/3 जोड़ा, फिर ये 1/3 जोड़ा, फिर प्लस ये 1/3 जोड़ा। इधर आधार सेम है, हर सेम है, तो ऊपर जुड़ जाता है ऐसे ही, हमने बताया था 1, 2, 3, यानी 3/3 कितना आ गया, 3, 3, 3 कितना हो गया 1। अब 1 में, अब ये क्वेश्चन है, ये 5 + 5 = 5, तो 5 कॉमन लिया, 5 हम कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 बचेगा, तो इसको तो 1, 2, 3 हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3 इंटू 5 से गुणा कर दो, तो 5 से 15 के 5 ऐसे लगे, 5 × 2 = 11, 5 × 1 = 6 और 615 + 1 = 616 आंसर आ जाए, ठीक है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, मैंने इतना सॉल्व करके बताया, आंसर आप इसी लाइन में दे सकते थे, ठीक है। आंसर कैसे देते, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, एक एक संख्या बढ़ रही है, तो 1, 2, 3, यहाँ पर 3 है तो 3 तक ले जाते हैं, 1, 2, 3 गुणा किससे कर देते हैं, 5 से, क्योंकि 5 5 के डिजिट हैं, ठीक है। आगे 1/3, 1/3, 1/3, तो 3/3 हो जाएगा, क्योंकि हर सेम है, ऊपर वैल्यू जुड़ जाएगी 3/3, तो प्लस ही लगाना है, +1, 5 × 15 = 5 ऐसे लगे, 5 × 2 = 11, 1 हासिल लगे, 5 × 5 = 6, 615 + 1 = 616 आ जाता, बस इतना ही क्वेश्चन करना होता है हमें, है ना। तो कुछ बातें हमारी यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, 9 से 1/7 प्लस 9 से 1/7 + 1/3 = 1/3 ठीक है। तो करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, गुड़ा गुड़ा आप सब कर लोगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 9 × 99 = 999 ये 7 अंकों तक गया है, तो हम 7 अंकों तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो एक एक होता, 9 जब कॉमन ले लिया था, एक एक बढ़ रहा होता तो ये आ जाता। अब 9 से गुणा भी तो करेंगे, क्योंकि डिजिट में क्या है, 9 9 बढ़ रहा है सब, 9 से गुणा कर दिया, तो ये सबका इनका जोड़ निकल आया, इनका 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 इनका, अब बचे तो ये, तो सबका देखो हर सेम है, सबका हर सेम है, सबका हर क्या है, 7 7 है, तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी +7/7, 7 7 कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, जो गुणा करने पर 9 से और फिर +1 कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। करने का तरीका यह है, आप गुणा कर लीजिएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर वो आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर दे देते 99 + 99 1, 2, 3, 4, 5 ये दे दिया, इसका आंसर पूछा है। तो अब फिर तो 99 से 1/7 है, 99 से 1/7, तो 99 7 बार आप जोड़ोगे, तो आप क्या लिखना है, 99 × 7 लिख देना है, तो 7 बार जुड़ गया 99, फिर इसके बाद प्लस 1/7 1/7 7 बार जुड़ेगा, तो सबका तो हर सेम है, तो हर सेम होने पर अंश जुड़ जाते हैं आपस में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7/7 ये भी आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल 1, अब 7 गुणा करेंगे तो 7 × 63 = 3 हासिल लगे, 6 7 × 63 6 × 3 = 9 कितना आ गया, 693 में +1 हम ऐड कर देंगे, आंसर हमारा कितना आएगा, 694। ऊपर वाले को सॉल्व किया कितना आ गया, 694।
तो आपको ये समझना है कि कैसे हमको क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। बस हम अगर एक बार समझ जाएंगे तो ये समय बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वाले में अगले टाइप से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ तक आपको पूरे कंप्लीट रखने हैं और सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा एक साथ मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।